महादेव की जय, छत्रपति हनुमान की जय, सभापति तुलसीदास की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, संत समाज की जय। मानस धानी ग्राम बंजारी के पवित्र माटी अभिहा बसेज बिराजे जम्मो देवी देवता मल्ला सबले पहली हृदय ले माथ नवावत हम आभारी हन हन हन। ये विशाल मंचला सजाने वाला जम्मो आयोजक परिवार के जीकर मया प्रीत भरे देवता पाके आप सबो के भी दर्शन करे के अवसर मिले। हृदय ले प्रणाम आप समस्त ग्राम वासी अवदान दाता मल्ला जीकर दान के बदौलत ये मंच सजे है। श्रोता समाज में बैठे मोर जम्मो माता बहनी हो जीवन के अनुभव बटैया संत जन विप्र जन गुरु जन ज्ञान मंचला संचालित करैया मृदुभाषी आदरणीय उद्घोषक भैया जी और प्रतियोगिता मंच के पूज्य निर्णायक गुरु जन आप सबो के श्री चरण में मोर मयारू मानस परिवार ग्राम गुदगुदा जिला धमतरी के जम्मो संगवारी मंडार ने सादर प्रणाम है। आवाओ उत्तर का दोहा क्रमांक 103 प्रस्तुत प्रसंग कलयुग महिमा के चर्चा आए और कलयुग में रवैया प्राणी मन के भागला जगाए के इतराए के महिमा आए। बहनी हो ये दुनिया में एक निसैनी के बनिया निसैनील काबर बना है जानते हो कोनो कर चढ़ना रथे तब ऊपर डहन टिका ले
कोनो कर उतरना रथे नीचे हम के काले ओकरे पर निशेनी बना है। एक फटफटी के बनिया घरों जानते कि फटफटील कोनो कर आना जाना है तेकर बर बना है। लेकिन ये मनुष्य तन के बनाने वाला परमात्मा हम सब ला काबर बना है ये आज तक प्रश्न के उलझन लनी सुलझा पाए और ओकरे उत्तर के नाम है उत्तर कांड दोहा क्रमांक 103 आवा जेकर विस्तार करण ओकर पहली परम आराध्य भगवान सीताराम जिला श्रद्धा के पुष्प अर्पित करण बोल सीताराम भगवान की जय। परम आदरणीय संत समाज आप सबला हृदय ले नमन करत आवा उत्तरकांड दोहा क्रमांक 103 के यात्रा करन। कलयुग सम युग आन नहीं जब नर कर विश्वास गाई राम गुण गन विमल भवतर भी नहीं प्रयास। एकर नीचे में शाब्दिक अर्थ लिखा है यदि मनुष्य विश्वास करे तब कलयुग के समान और कोई दूसरा युग नहीं है। काबर राम जी के निर्मल गुण समूह ला विमल मन से जेनहा गाही वो बिना परिश्रम के संसार सागर ले तर जही अत्ता कन हमर बाटक प्रसंगे। मैं निवेदन पूर्वक आपला विनती करना चाहता हूँ गप मारे पर औ कतको बे रहे बहनी हो बड़ भाग से मनुष्य के तन मिले है और काबर मिले है आवाओ ये दुनिया परिवर्तनशील है। चार ठन युग होते हैं लेकिन कलयुग के महत्व ये है कि कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है। बाबा तुलसी जी बात लिखे होला उल्टा लाख थे कहीं होते थे मन का कथन कलयुग आगे बहनी कलयुग डोकरल मारत कथे कटुरा मन है यहाँ तो कहीं हुई तहन कलयुग आगे कथन मने कलयुग ला इतना बदनाम युग समझ गए हैं। लेकिन बाबा तुलसी हम सब ला विश्वास दिलाना चाहते सज्जनों कि जय युग में रथन होकर समान कोई सुंदर युग नहीं है। और काबर आवाओ मैं निवेदन कर दो सबसे पहली मोर दोहा के पहला चरण है कलयुग समयुग आन नहीं। तो चार ठन युग होते एक युग होते सतयुग दूसरा त्रेता तीसरा द्वापर और चौथा कलयुग। हमन जे युग में रथन बहनी हो तेला कथे कलयुग। कलयुग के मतलब होते कल मने कारखाना युग मने जमाना ए मशीनरी के युग है। आज जे कलयुग में हाबन तो इसने 27 ठन कलयुग और बीत गए है। हमन जे जन्म ले हन ते 28वां कलयुग है। ठीक कलयुग के उम्र 4,32,000 वर्ष के कलयुग के उम्र है। अब एक निवेदन करो बहुत गौर से कलयुग के उम्र है 4,32,000 तो मनखे की उम्र कितना है वो 100 हत मांगल है और ते है डबल फसल लूथा तो भगवान थोड़े ठेला रही। तो आवा में निवेदन करना चाहत कलयुग काबर ओकर समान युग नहीं है। कलयुग में मनखे के जे श्रेष्ठ उम्र है वो हरे 40 साल और काबर ते सुनो जब विधाता ब्रह्मा जी कलयुग के प्राणी मन के रचना करत रहा है ये धरती में नहीं आ रहा है ऊपर में पहली नक्शा बनी नहीं मन खेल की हिस बाबू तो 40 साल भर भेजा थो ओ किस बन जाए महाराज का करूं ते जे कर सकता जे कर अकपरियल छेक ले जे कर लपोटाल ले जा आदमी की से 40 साल में का होई महाराज एक आध का नव उम्र बाढ़ जाती बोनस मिल जाती ते देख लेते वो की से के जन खेल कैसे करूं तोर संयोगी मन दे दी देख ले वो आदमी के बाद में बने इस बैला बैला की ही तोर उम्र है 40 साल बैला पूछी इसमें का करूं महाराज ये देख रे सर रबे दीही तेल खाबे एक रे सन दंदर दंदर के कमाबे बैला की इस महाराज में 40 साल तक दंदर के कमाऊं सरी बोरा ला मैं खींचूं गाड़ा में अब ये दीही तमे खाऊं ये गुलामी जिंदगी हो गए मैं रुमाल ला काट ले महाराज तो कोई ले वैया रही था तो मन खे हद रहा दे दे मोला दे दे महाराज की 20 साल के उम्र ला बैला काट दी सब आदमी दे दी ओकर बाद बने कुत्ता कुकुर लगी तोरो 40 साल कुकुर कथे का बूता करना है तोर कोई बूता नहीं है मन खेत जाही ते घल ला राखबे एक आसूटी पर ही काय कानरिया बे
कुकुर किस बाप रे, मोर जीवन तो बदतर हो जाए, मोर उमर ला काट ले, 20 साल ला कम कर ले, आदमी कितने दिन मोला दे, 20 साल कुकुर के उमर ला झोंक ली। मनखे किस महाराज हमारे ऐसे विचित्र विचित्र बना था, कोई दूसरा बनाना, तब भगवान चमगेदरी बने। चमगेदरी की ही तोर उम्र 40 साल, का बूता है तोर, कोई बूता नहीं है तोर, जब का बेर मर रही अंधियार तोर आंखी देती निकाल, मोरो उम्र ला कम कर ले, 20 साल आदमी फिर झोंक ली। अब जिए के ढंग देखना बहनी, दुनिया में हर आदमी 40 साल तक आदमी बरोबर जीते, ओकर बाद जैसे 40 पूरा हुईस लइका मन बाढ़ा थे, नोनी मन ट्यूशन करबो कहा थे, मार बैला बरोबर दंदर दंदर के कमा 60 साल तक, 60 साल बैला बरोबर आदमी दंदर दंदर के कमाते, काबर बैला उमर ला मांगे है। जैसे 60 पूरा हुईस घर में बहू आ गई, तहन कुकुर बरोबर देखत रखत कबेर पानी धीरे। 60 साल के बाद 80 साल तक व्यक्ति के जीवन कुकुर बरोबर जीवन हो जाते, और जैसे 80 पूरी तहन ऊपर मत पूछ साहेब, चमगेदरी कुमारे कत कबेर खाबे कति जाबे पता नहीं चल, ए हरे 100 साल की उम्र। लेकिन बाबा तुलसी की इस कलयुग के समान फिर भी कोई ज्यादा सुंदर युग नहीं है, काबर आवा में शुरुआत कर रहे हो ब्रह्मलीन पवन दीवान जी के पंक्ति के साथ गुठियाओं। आंसुओं ने सभी कुछ कहा पर दुनिया ने समझा नहीं, मौत ने लाख मौके दिए उम्र का राज सुलझा नहीं। बहनी हो निशेनी बनैया जानिस, फटफटी बनैया जानिस, हमला काबर बना है तिलाज लेनी जाने ना। आवाओ एक शायर कथे, गमों को ऐसे पियो कि पानी पानी हो जाए, गमों को ऐसे पियो कि पानी पानी हो जाए, विश्वास रखना राम पर कि उसकी मेहरबानी हो जाए, मरो तो ऐसे मरो यार कि मौत भी थर्रा जाए, और जीवन जियो तो ऐसे जियो कि तुम्हारा जीवन भी एक कहानी हो जाए। बाबा तुलसी की ही एकरे बार ये जीवन मिले है, काबर आंसुओं ने सभी कुछ कहा पर दुनिया ने समझा नहीं, मौत ने लाख मौके दिए, कई बार मरे कई बार जन्म पाए, लेकिन ये जन्म काबर मिले है ये समझ में नहीं है। मौत ने लाख मौके दिए उम्र का राज सुलझा नहीं, फूल हो तो पे खिलते रहे और माली तरसता रहा, नदिया प्यासी रही उम्र भर और बादल बरसता रहा, दर्द तो दर्द ही रह गया, जिंदगी की यही रीत है, फिर न कहना कि गाओ पवन ये मेरा आखिरी गीत है। जीवन के अंतिम सांस आए से पहले जान ले मनुष्य, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, सोई कृत निंदक मंदमती आत्महान गति जाई। ये मनुष्य के जीवन भव सागर तरे बर मिले है। अब भव सागर काए जतका लेका बैठे है पढ़िया, ए मल्ला पूछ ले, विश्व के एटलस में 7 ठन सागर है, 7 ठन महासागर है, पर मजेदार बात यह है बहनी हो, 1 ठन सागर के नाम भव सागर नहीं है, और जे रामायण वाला ही जे भागवत वाला ही ते मने के बात कही भव सागर करो, तो ये भव सागर काला कथे वो भाव है, संस्कृत के शब्द है, भाव मने होते होना, और दुनिया में दो चीज हुआ थे, जन्म ले थे मरत है बनत है बिगड़त है, जन्म ले थे मरत है बनत बिगड़त है। भगवान शंकराचार्य की भव सागर का है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। बहनी हो
हम सबके जीवन के मंजिल आए भव सागर ले तरना। तुहर गांव के नदिया पानी जब बोहाही समुद्र डहन बोहाते काबर। जल के उद्गम समुद्र से हो है, सूर्य के प्रकाश के साथ वाष्पीकृत होके ऊपर आते और बादल बनके गिरते। एक दिया जब भी बरही ऊपर डहन बरते काबर, ओकर उद्गम हो सूर्य से हो है। आप और हम सब के उद्गम हो है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। लेकिन कदे डहन बोहाथन आवा, तब बाबा तुलसी कहिस कि मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य है भव सागर तरना। ए हरे मंजिल, अब मंजिल मिल गए तो रास्ता कैसे है, कदे डहन ले जावन मंजिल में। कल युग सम युग आन नहीं, बाबा तुलसी की जाओ नर कर विश्वास। गाई राम गुण गन विमल भवतर भी नहीं प्रयास। कलयुग के समान और कोई दूसरा युग नहीं है काबर। सतयुग वाला मन कैसे भव सागर ले तरे। कृत युग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग। सतयुग वाले मन कर उम्र रहा है कत्का दसो हजार वर्ष। सतयुग वाले मन बड़े बड़े ज्ञानी रहा है। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी करी हरि ध्यान तरई भव प्राणी। सतयुग वाले मन ध्यान करे बड़े बड़े विज्ञानी रहा है तब भव सागर ले तरे। जब त्रेता युग गई त्रेता त्रिविध यज्ञ नर करही। त्रेता युग में यज्ञ के प्रधानता से यज्ञ करके भव सागर ले तरे। और जब द्वापर वार युग गई द्वापर करी रघुपति पद पूजा तो द्वापर में पूजा करके तर जाए। अब जे युग में हमर रथन तिहा ना तो यज्ञ कर सकन कि भव सागर ले तर जान। ना तो हमार पूजा में वो शक्ति है कि भव सागर ले तर जान। ना तो हमार कर समय है कि हम ध्यान लगा हजारों वर्ष तक बैठे रहा फिर भी भव सागर तरबो तो कैसे तरबो। बाबा तुलसी कहिस कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरही पारा। सोई भवतार कछु संशय नाही नाम प्रताप प्रगट कलिमाही। कलयुग में एक ठन चीज है आओ हरे राम के नाम। तो स्वाहा स्वाहा करे नी लागे आंखी मुन के बैठे नी लागे केवल नाम के जप करके भव सागर ले तर जबे। अब आवा नाम ला कैसे जपना है ये नाम का हरे जेकर चर्चा करबो एक ठन गीत के संग। नाती अपन बबाला पूछते औ कौन हमला बताहीगा काबर मिले है मन के छोला जिंदगी कैसे सफल हो पाहीगा। बाबा कथे बेटा बड़ भागी रे मन के छोला मैं हाँ तोला बतावाऊ जी राम नाम के खेती कर लो जीवन सफल बनावाओ जी। ये कलयुग में केवल राम नाम के खेती सब झल्ला करना है कैसे। अब जागले मन माचेत कर बहुत अकन बहनी मन कात हुई हम आज ले खेत ली गहन बहनी तो ये वो खेती है बहनी हो घर के खेती बनिहाल ला कमवा डरबे। लेकिन ये खेती अपन से थी जैसे बैंक में जब तक तो अंगूठा का निशान नहीं लगी तोर दस्तखत नहीं हुई तब तक पैसा नहीं निकले ठीक है। इसने कलयुग में अपन अपन से थी कमाई लागी। अब किसानी करबो राम नाम के तक किसान के सबसे बड़े दुश्मन कौन है तेल जान लो। किसान के सबसे बड़े दुश्मन बीमारी नो है भैया। आलस नींद किसान को खाए चोर को खाए खांसी। जे किसान अलाल है ओकर खेत ला गरवा खाही और बीमारी खाही। चोर को खाए खांसी जे चोरहा है अवला कहूं खांसी आते हो काकरो घर नींद के खांसी ही बाची। तालस नींद किसान को खाए चोर को खाए खांसी चूका मूल ब्याज खा जाए और बहू को खाए हांसी। तो का करना है आलस से छोड़ के जागना है। जे बड़े बिहनिया जागते वही सफल किसाने कत का बेर जागना है
रहा है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान चिड़ियों के उठने से पहले। अब तो कलयुग समयुग आन नहीं जब नर कर विश्वास। कलयुग के समाना और कोई दूसरा युग नहीं है बहनी हो, बस जरूरत है विश्वास करे के। और विश्वास करके का करना है, गाई राम गुण, भगवान के गुणानुवाद राम नाम के आश्रय लेना है। बाबा तुलसी जी से राम नाम में हम कैसे विश्वास करें महाराज? तावा में प्रैक्टिकल उदाहरण दो। एक ठन गांव में शादी होत रहा है, पड़ोसी गांव में चोरहा मन के अड्डा रहा है, तीन झन चार झन। ओ पड़ोसी गांव में विवाह होए मने ओ मन जान रहे कि आदमी कम रही डेरा डारना है। बढ़िया दाऊ घर विवाह होत रहा है, चोरहा मन किस आज जाना है रे। सब डिंगरा डिंगरा टूरा मन बरात जाए रही, गांव के जवान जवान मन नहीं रही मौका रही, सब बरात गिरा है। तीन जन चोरहा मन रात के 11 बजे पहुंच गए गांव में। विवाह घर ला देखी सुनसान रहा है, लेकिन कौन कौन है तिल पता लगाना है। तब पहली के जमाना में कोहा मरे ज्यादा चले, चोरहा मन किस कोहा मार कौन उठी ही का है ते पता चल जाए। जैसे कोहल फेंकी इस घर के छानी में, सियनहा सुते रहे थे समझ गए कुछ मोर परीक्षा लेते से लाग थे। ओ सियनहा खटिया लूठी सब एक बात कही, शेर सिंह शमशेर सिंह राम सिंह दारा सिंह देखो तरे कौन आए। अतका सुनीते पल्ला भागी चोर मन, अरे दादर यहां सेरे सेरे के। अब मैं विनती करना चाहत बहनी हो, जतका कन नाव ली तत्का नाम है नकली है, लेकिन भागी ते चोर असली रीस नहीं वो। हाँ, जब नकली नाम में असली चोर भाग सकते तो सोचो जे दिन असली नाम के आश्रय ले लू ते दिन ये जीवन के जे छह ठन चोरहा मन खुश रहे सठ विकार के रूप में वो अपने अपन भाग गई। बस जरूरत है विश्वास करे के। कलयुग के समान और कोई युग नहीं है मोर भाई। काबर कली कर एक पुनीत प्रताप, मानस पुण्य होई नहीं पापा। तीन ठन युग में आदमी ला मानस पुण्य लगे मानस पाप लगे। मानस पुण्य और मानस पाप आए, मान लो ते मन में सोच डरे हो दुखा ही फेरा तो हपाट हपाट के मारते हो कही के। जे कहा थस ना ते मन में कहा थस, लेकिन ओकर जे पाप है वो तीनों युग में लगे। लेकिन कलयुग में मानस पाप नहीं लगे ते कोई देखता नहीं, थपड़म दे देते हो ऐसे कि कही सकता छूट है। लेकिन पुण्य लगते, मान लो तोर मन में दृढ़ संकल्प है कि आज मैं यहाँ घर में रामायण करा हूं, लेकिन कोई कारण ऐसे हो गए कि योजना बनाए सब टल गए, तो जान लेना तोर घर में रामायण हो कि जो पुण्य है वो मिल गए। एला कथे मानस पुण्य। अब मानस पाप हते कतको सोच ले, जब तक वो कर्म के रूप में परिणित नहीं हुई तब तक वो कर फल नहीं मिले। ये सबसे श्रेष्ठ चीज है। दूसरा, तीन ठन युग में भव सागर तरे पर बड़ नखरारी से बड़ समय पैसा चाहिए, लेकिन कलयुग में मंदिर जाबे कम से कम नहाक जाऊं कबे, लेकिन राम नाम ले पर नहल घलो नहीं लागे। हो बाबा तुलसी साहब की, भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसी दस हो। बस मोर भाई एक बार नाम के आश्रय ले ले तोर बाल बांकनी होए और आवाओ। अब मैं एक निवेदन कर दो, जितका पुण्य है जितका प्रताप है तो दुनिया के बनाने वाला कैसे बना है? विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। सब व्यक्ति में सब युग में अपन अपन गुण है अवगुण है। कलयुग लगा कथे कलिमल, ए मल के युग है मोर भाई। लेकिन बाबा तुलसी मोर बाटा में जे भाग देहो प्रशंसा के भागे, लेकिन ये प्रशंसा कब समझ आई? तब कलयुग के आदमी मन के जीवन के प्रदर्शन समझ आई तब। अब कैसे तावा पूरा दोहा के मैं सार आपके बीच रखत हूँ। द्वापर युग सिराने वाला रहा है, कलयुग अवैया रहा है। पांचों पांडव भगवान कन्हैया अमरिया में घूमत रहा है, अचानक कन्हैया की धर्मराज कलयुग अवैया है।
ते अपन जनका धर्म के क्षेत्र रहते समेट ले। धर्मराज किस महाराज, कलयुग आते धर्म क्षेत्र समेट ले कथस, तो का कलयुग में धर्म नहीं रही? भगवान कन्हैया की इसमें कैसे बताऊं कलयुग के चीज ला। एक काम करो, मैं प्रैक्टिकल करात हूं, दुनिया में पढ़ाए कुछ तरीका है भई नहीं हो। एक लकथे थ्योरी, दूसरा लकथे प्रैक्टिकल। जतका लइकल गुरुजी मन गायक रचना याद कराते नहीं, वो कुछ मत करो, बोल खैरखा डाड़ में ले। एला कथे बाबू गाय देख के ठन गोड़े के ठन सिंह जो मरत नहीं भुलाए, तिल वो रोज याद करा सूटी सूटी पीटा थे। तो वो दिखाए जाते प्रैक्टिकल कथे और रटाए जाते वो थ्योरी कथे। भगवान कन्हैया की इसमें प्रैक्टिकल करा दो, पांचों पांडव अलग अलग दी समझाओ, कलयुग काय ते समझ के आओ। बहुत गौर से सुनना धर्मराज, उत्तर दी समझी जा के बाद कुछ दूर की सब देखी से एक ठन हाथी दू ठन मुड़ी रहा है। धर्मराज की इस बापरे कलयुग में का दू ठन मुड़ी रही, समझ नहीं ऐसा के कन्हैया पूछी। कन्हैया में इतना विचित्र देखियो महाराज, कलयुग में उसने हो ही कथा, मुल ये बता का कलयुग के आदमी मन के दुधी ठन मुड़ी रही। भगवान कन्हैया की धर्मराज ते राजा, और राजा शेखर से ती राजा के दृष्टि से देखे हत्ता ये जान लेना, कलयुग के राजा मन के खाए के अलग और दिखाए के मुंह अलग रही। बहुत विनती करके कहना चाहता हूं, मैं कोई पार्टी प्रचार करे नहीं आऊ, गांव गांव भाजपा कांग्रेस के मारे मराथन मोर भाई, जाके देखो मने के जगह बफर जमा थे। कलयुग में राजा मन के खाए के अलग और दिखाए के अलग रही। हमन गांव गांव मन पड़ोसी सन निकोठियान, लेकिन उकर मन के खेती है। दूसरा दिशा में भीम गीस, भीम जाके देखी तीन ठन कुआं रहा है, अगल बगल के मन लबालब भरे है, बीच के सूखा पड़े है। भीम की से कैसे हो गए? अरे जब अगल बगल के भरे है तब बीच कैसे सूखा पड़े है? आके कन्हैया की इस कन्हैया इतना विचित्र देखियो महाराज, अगल बगल के कुआं छलके परत है, बीच के सूखा पड़े है। एकर का मतलब हुई कन्हैया कथे कलयुग में इसने हो ही भीम, एक घर अतका लबालब धन भर रही और बफर चलत रही, बगल में पोट पोट करत रही, पड़ोसी तिल दे दो कहिया निमिले कोई ना, अपन धन लल बराबर करे बर दे जाही जी। तीसरा दिशा में अर्जुन की एक ठन गैया बछड़ल जन्म देहे और दूध ला नहीं पिया थे, दूध ला अपने पियत रहा है। आके कन्हैया पूछिस कन्हैया इतना विचित्र देखियो महाराज, ते कथस कलयुग में होई कह के गाय हा बछड़ल जन्म दे लेकिन दूध नहीं पियात अपने पियत है, एकर का मतलब हुई? कन्हैया कहिस दूध मने सच्चा संस्कार, दाई ददा अपन लइका ला कैसे संस्कार दी? मात पिता बालक नहीं बुलावा, उदर भरे सोनीति सिखावा। बेटा जिम पेट भर ही ते काम कर, सच्चा संस्कार नहीं दे सके। और मैं निवेदन करूं बहनी हो, आज घर घर में कार आवत है लेकिन घर के संस्कार जावत है। हमारे बेटी बेटा मन बाढ़ा थे लेकिन कपड़ा मन छोटे पड़ जाते, गांव गांव चुंदील देख ले बे। ये वालन वो कैसे दिखत रहते, जानो मानो करा पानी गिरी तहन धान खल खल ले झर के दे, बाद में कन गहूं बोए रहते ऊपर में, ट्रैक्टर गोल घूम दे से धरसा पर जाए रहते, जींस ल देखबे कोनो कर ले गिर हपट के आए ते से माड़ी ऊपर ऊपर भोंगरा हो जाए रहते, और कनिहल देख बेटा अतका दूर बोझ के रही और बोझ को का कहा थे, दबा दबा तोर कनिहल दबा नहीं? और जादे तंगरी ले से टांग दे थे, फूल मती तोल कैसे लागा थे, तोर कनिहल देख के हमला लाज लागा था, कैसे लाग। बहनी मन घलो कम नहीं है, ब्लाउज के पिछू डहाने का खात के नाड़ा और में रहते, जानो मानो लेका मन जुन्ना जुली दई के बरोबर, हाथ गोड़ लका कब आंखी का हटे पर मन नहीं बांचा थे। मोला दुश्मनी नहीं है बहनी हो, तोर हाल से हमर हाल, घर घर के कहानी है। अब ये बात एक कलयुग के प्रमाण है, उपासना कम वासना ज्यादा दिखी, दर्शन कम प्रदर्शन ज्यादा रही। अर्जुन लबतेस चौथा दिशा में नकुल गीस, नकुल देखीस एक ठन चिरैया मांस ला खावत है
और वेद के मंत्र गावत है, नकुल लगिस के मार्दों का, लेकिन किस कलयुग में इसनो हो ही कथे आके कन्हैया किस कन्हैया मितना विचित्र देखे महाराज कि चिरई मांस लखात है वेद के मंत्र गात है कन्हैया किस नकुल कलयुग में इसने हो ही। अब ये बात कहीं कहीं हमर मंडहन लागू होते, सुबह सुबह राम राम, शाम के शाम 250 ग्राम वाला मन के कमी नहीं है मोर बहनी हो। बड़े बड़े कहात लागे जाके देख, चाल में कीड़ा पड़े है, रोड में सुते रहते, कुकुर मन देखत रहते, गरमा दे पानी चढ़ाऊ का कह के कई झल्ला देखे सज्जनों नाली पर रहते, सूरा मन सुघत रहते हमारे वार्ड के कारे के ऐसनो मिल ही जे वेद के मंत्र गाही लेकिन चाल में कीड़ा पड़ रही। अब आवाओ जेकर बर ये कलयुग वर्णन बोले जाते अंतिम दिशल गौर से सुनना। सहदेव गीस बड़े जान मेला लगे है बहनी, लाखों के भीड़, बड़े जान पर्वत लेखन चट्टान ढुलत ढुलत आवत है, इतना रफ्तार पेड़ में परे पेड़ टूट जाए लेकिन चट्टान नहीं रुके। सहदेव लगीस की भगवान लाखों आदमी मर जहती से लागे, मैं का करूं, नजर पड़े रहा है पेड़ में पड़े पेड़ टूट जाए लेकिन कोई नहीं रोक सके, अब तबक आदमी मन ऊपर गिरने वाला रहा है। सहदेव आंखिल बंद कर लीस, जब आंखी खोली तो देखते नांचन चांदी में से अटक गिरा है हुआ। सहदेव की इस बापरे जेल बड़े बड़े पेड़ नहीं रोक सकीस, उनांचन तीन काम कैसे है, आके कन्हैया किस कन्हैया मितना विचित्र देखे महाराज, वो पर्वत ला पेड़ नहीं रोक सके तेल कांदी रोक दीस, का मतलब कन्हैया किस सहदेव जे बड़े बड़े पेड़ देखत रहते काए, कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, पाखंडी मन अपन अपन दोंदर भरे भर बड़े बड़े धर्म के नाम में पेड़ खड़े करे रही, लेकिन कलयुग के मार और कलयुग के भार ला कोई नहीं रोक सके, केवल नान चंद राम नाम के तिनका ही होकर सहारा है, केवल कलयुग में राम नाम के तिनका ही हो कलयुग के मार ला रोक सकते, और तेकर सती कलयुग केवल नाम या धारा, बस ये नाम के सहारा ले लो तान का हो ही, कलयुग समयुग आन नहीं जब नर कर विश्वास, बस विश्वास पूर्वक, बिना विश्वास के काम नहीं हुए। काबर देखो भैया ऐसे समझो, चलो पहली एक ठन गीत गाले फिर चर्चा करबो। किराया के जिंदगी मां मेहमान बन के जी ले, ये बाबू दुनिया मां इंसान बन के जी ले। ये गीत जे स्थिति में लिखे हैं बहनी वो मैं आप लभी ऊंचे ले जाना चाहता हूं। आज आदमी आदमी हो के आदमी नजर नहीं आते, मोर भाई में प्रमाण देते हूं, गाय देखू गायला गाय पोट पोट करत है खड़े हो नहीं सके, वो एक थारी मांस लेके के मढ़ा दे वो आजा का हो ही, गाय हमर जही फिर मांस नहीं खाए, शेर पोट पोट करत है खोरवा हो गए ओकर कर एक बोझा घास लेके के मढ़ा दे आवाजा, शेर मर जही घास नहीं खाए, शेर घास नहीं खाए गाय मांस नहीं खाए, लेकिन वारे आदमी तोर मारे ना घास बांचत है ना तोर मारे मांस बांचत है। का हम आदमियन गौर करो सज्जनों, कलयुग में हम विश्वास करबो भजन करबो लेकिन का आदमियन तक कारण बताओ, मैं नहीं कहा तो रामायण हम प्रमाण है बिना प्रमाण के नहीं बोलो, जो न तरे भव सागर का करना है एक एक काम करना है भैया, यदि मनुष्य के तन पाहस तो का करवे एक चीज बाबा तुलसी की कि जे व्यक्ति हा भगवान के भजन करे बिना भव सागर ले तर जहूं कही वो कैसना है, पशु बिन पूंछ विशान, वो बिना पूंछ और बिना सिंह के जानवर है। अब कैसे जानवर है तब बहनी हो, चार प्रकार के जानवर होते, वो पहला जानवर के नाम है मछली। अब मछली कैसे जानवर है तो आंगनबाड़ी पढ़ते थे मतलब पूछ, मछली जल की रानी है
जीवन उनका पानी है, उकर जान हम पानी में रहते, मछली पानी का करते साफ। वाह, नल में नहातो ते मन का जानो, तरिया जाते ते मन ला पूछबे, वो थुकन्नी पाबे लिबले लिन देते आगा थे, तब मछली पानी गंदगी साफ करते वो जानवर। दूसरा जानवर के नाम है दुगोड़िया कुकरी, वैसे कोड़ लेते ओकर बाद कोटो कोटो की को साफ करते। तीसरा जानवर के नाम है चार गोड़िया बरहा सूरा, वो घूम घूम के वाले। और चौथा जानवर के नाम है बिना पूंछ बिना सिंह के जानवर आदमी। अब कदे आदमी कहा तेल गौर से सुनना, फैसला तुम्हें करना है। मछली पानी गंदगी साफ करते जानवर, कुकरी कोड़ कोड़ के साफ करते कर सती जानवर, बरहा घूम घूम के साफ कर देते ते कर सती जानवर, अब ये तीनों झगला साफ कर देते। समाज में इस वैसे मन ताली बजान वो अब्बर मिटकाय रखो। हाँ, ये तीनों झगला साफ कर देते ते जानवर की। तो मन तुलसीदास ला लड़ीस कथे कस महाराज, आदमी बरोबर दिखा था ते आदमी नोहन, तुलसीदास की हिस बाबू खोपड़ा पहने से कोई आदमी नहीं होए। कैसे राजीव के मेलम सर्कस आए रहा है, भारी बड़ बैनर में छपे रहा है हाथी घोड़ा भालू बगवा तोता मैना सब दिखाया जाएगा, 10 रुपया टिकट। इतना टिकट बिकी हाउसफुल सर्कस शुरू होना रहा है विदिन बिहनियल, भालू मर गया है वो। अब सर्कस वाला देखी आवाओ, पीला बत्ती जल गए मोर कथल पहली पुरो दो तहन गानल पुरो हूं। गाई राम गुण गन विमल भाव तर बिनहि प्रयास। अब का करना है, कलयुग में हमला विश्वास करना है, भगवान के गुणान वादला विमल मन से गाना है, तान भाव सागर ले तर जाना है, अति एकर मूल बातें। अब आवाओ जे कारण से गीत गाए जाते, मैं निवेदन करो भालू मर गिर है। अब भालू जब मरी आदमी टेंशन में आगे, भालू ने देखा हूं काली बार बैनर लचीर दी का करो, तब वो आदमी रहा है तेन। हाँ, एक जन आदमी की भाई 2 मिनट के काम है, भालू बनबे कतका देवे 200, वो 200 नहीं बने 500 की तान हाउ कह दिस, वो भालू बने बर तैयार सर्कस शुरू। तोता देखे इस, मैना देखे इस, झूला देखे इस, बेंद्रा देखे इस, पारी रहा है भालू के। ते आदमी 500 वाला गेरा है, लिल्ला वाला मन तुम्हार गांव ग्राम धोनी वाला मन पहना थे, तिसने जस गीत वाला मन वो भालू के शेरवानी पहना दी, पीला भालू कबरो की सब पिंजरा में भर दी, ढकेलत लेगी और कही देख पब्लिक के तीर में मत जाबे, पूछिल खिद दे थे दुरिया में रबे दुरिया में, 3 गांव घूमबे और तबीयत खराब है कि पिंजरम कुसर जबे, वो तिल दूसरा देखाबो कोई नहीं जाने। भालू ढील दी, पहली बार निकले रहा बेचारा 500 के लालच में, ऐसे लंबा घूमिस वो पिंजरम खुसरेच नहीं रहा है, वो तिल भगवा वाला ढील दी का भगवा। हाँ, किसनी भालू की सब मर जाऊ कहा जाऊ, पब्लिक लहन भागत रहा है, शेर रहा इससे उछल के पटक दी, कहां जाबे मोर मारे बोचक के। पब्लिक मन देखे शेर और भालू झगड़ होत की कितना ताली बजाए, और शेर पोट पोट करत रहा है, हे भगवान 500 के लालच में प्राण छूट गए। शेर कहा कहां जाबे मोर मारे बोचक के, मैं जानत रे ते 500 भालू अतेला, डरा मत महू ते 1000 वाला भगवान का है वो, केवल इसने हाथी घोड़ा भालू बगवा बरोबर मनखे के खोपड़ा पहने बैठे हैं मोर भाई। काश के आदमी आदमी रतीस, काश के आदमी आदमी रतीस, दिल्ली के दामनी जैसे कोनो मोर बहनी मन के आबरू नहीं लूटे जातीस, काश के आदमी आदमी रतीस, श्रद्धा जैसे कोनो बेटी ला 35 फुट का काटे नहीं जातीस, काश के आदमी आदमी रतीस, कोनो जवान बहनी ला दहेज के नाम से जल के मरना नहीं पड़तीस, काश के आदमी आदमी रतीस, आतंकवाद नक्सलवाद के पीड़ा नहीं रतीस, काश के आदमी आदमी रतीस, गौ माता अनाथ नहीं होतीस, काश के आदमी आदमी रतीस, दाई ददा दर दर के ठोकर नहीं खातीस, तब विनती करत हूं गुल में यदि निखत नहीं तो कुछ नहीं, दिल में यदि उल्फत नहीं तो कुछ नहीं, 1000 हुनर हो आदमी में तो क्या, आदमी में आदमियत नहीं तो कुछ नहीं। किराया के जिंदगी मां, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। किराया के जिंदगी मां,
मेहमान बन के जी ले, ये बाबू दुनिया मा इंसान बन के जी ले, ये बाबू दुनिया मा इंसान बन के जी ले। गीत के फरमाइश आहे और पूरा करत आप सबसे विदा पाबो। ये दुनिया में दो प्रकार के देवता है, एक चैतन्य देवता जल माता पिता गुरु कथे, दूसर जड़ देवता जेकर आप हम सब पुजारियन। बस मोर विनती अति है, चैतन्य देवी देवता माता पिता गुरु के दिल दुखा के संसार के कोई बेटा सुखी नहीं रह सके। हाजी घर के दाई अंधियारी माँ और दुनिया भर उजियारा हो, ये तो हावे भाई तोर चोचला। यदि घर के दाई अंधियारी में पड़े हैं, दुनिया भर जाके जोत जला, कोई पुण्य मिलने वाला नहीं मोर भाई, कोई माता रानी कबूल नहीं करे। दाई ददा पर प्यार से दीपक बार दे, एक ठन लट्टू लगा ले, तो नाम से माता रानी दरबार में जोत जल जही। घर के दाई लाघन भूखन और दुनिया भर भंडारा हो, ये तो हावे साहेब तुर ढकोसला। यदि घर के माँ बाप लाघन भूखन पर है, कतको दुनिया में जाके भंडारा बांट, कोई पुण्य नहीं मिले, दाई ददा पर प्यार से रोटी खिला दे पागल, तो नाम से दुनिया में भंडारा चढ़ जही। ओ दाई ददा के हसान ला भुला दे बेका, कलयुग में देखना पट्टा बांध के नवरात्रि भर जय माता दी जय माता दी वाला मन के कमी नहीं है। मैं प्रणाम करूं आपके श्रद्धाला। बस मोर प्रश्न की है, जब चारों तरफ जय माता दी जय माता दी छाई है, तो इतना बता दे यार किसकी माँ है जो अनाथ आश्रम आई है। दाई ददा अनाथ आश्रम भेज दे, अब पट्टा बांध के घूमे से कुछ होने वाला नहीं मोर भाई। विनती अति है, नौ महीना ले कोख में रख थे, कत को जोखिम सही थे जी, नवा जन्म दे थे तब दोनों दाई वो ला गई थे जी, बाप के पद विद्वान बना थे कसनो या उठा छापुला, कहूं कभो तुम जन भूला माँ बापला, जन भूला माँ बापला, जन भूला माँ बापला, जन भूला माँ बापला। पछतावे ना, कर ले सेवा पाछ पाछ।
शकल से डर रहा है आदमी, आदमी है मारता मर रहा है आदमी, आदमी को ही लूट कर घर भर रहा है आदमी, समझ में नहीं आता जो नहीं करना चाहिए वो भी कर रहा है आदमी। जिया थे ददाई कपड़ा बिना तरसत है, जिया थे माँ कपड़ा बिना तरसत है, वारे मयारू बेटा मरे के बाद पितामरी उड़ा था, जिया थे बाप रोटी के दाना दाना पर तरसत है, वाजी अक्कल वाला मोर भाई मरे के बाद पितर खवा था, पर का करवे जवान बेटा गांव के सरपंच ला झगड़ा लड़ते, काबर मुर्दाई ददा पर निराश्रित नहीं लिखस पगला, जेकर कोई आश्रित नहीं रहा है सहारा नहीं रहा है तेला निराश्रित कथे सुस्ता कर, दाई छाती में लगा के तो लदूद लपिया है, कैचा में सुसे महतारी तो सुखम सुला है, तुल पाए बर कदे कदे देवता में जल नहीं चढ़ा है, जे बाप अपन बाटक रोटी तोल खवा है, खंदैया चढ़ा के घुमा है अगली धर के रिगाह रे पागल, ऐसना माँ बाप पर निराश्रित खोज था, जवान बेटा मुस्कुरा के कथे टारना, हम दो हमारे दो डोगरी डोकरा को मरने दो, हम दो हमारे दो कहे से कोई फैमिली नहीं बने मोर भाई, एक चीज याद रखना आदमी सोच बैठे है डोगरी डोकरल मिल जाए पेंशन, मियां बीबील काहे टेंशन, पर ये फैमिली नो है, फैमिली की स्पेलिंग का है FAMILY फैमिली, एल बने फैला दे का निकलते, एफ से फादर, ए से एंड, एम से मदर, आई से आई, एल से लव, वाई से यू, फादर एंड मदर आई लव यू, जी हां मां बाप पर सच्चा प्रेम है तेकर नाम फैमिली है, मोहब्बत का असर होने में थोड़ी देर लगती है, इस दस्तक को दर होने में थोड़ी देर लगती है, यू तो ईटगारों से बना लेती है घर दुनिया, मगर घर को घर होने में थोड़ी देर लगती है, जन्म के देवैया माँ बाप ला रखे पर बेटा कर जगह नहीं है, दाई दादा कहाँ रही जगह जगह नाथ आश्रम, जे गौ माता में 33 कोटि देवी देवता के निवास, रखे पर जगह नहीं आदमी सौंप से रखते कौन ला, कृपया कुत्तों से सावधान, यहाँ कुत्ते रहते हैं, बहुत अकन बहनी माँ सोचा तो ही एक गुदगुदा वाला कुकुर चाबे हो या भोर हम मत रहो मोलाज ले कुकुर नहीं चाबे है, ये तैसे हो गए बहनी, एक झन लड़का अपन दादी पूछे दादी दादी आज बड़ा रोटी रान बे, हाँ बेटा तोर बाबा पीता रही की, लड़का कथे या हम बबल आज ले देखे नहीं आने, बाबा सन हमू मिल वो आई वो आई वो आई वो की तान डोगरी भड़ा के लेर दो खा, तोर बाबा करिया करिया रही कौवा बन के आई की, लड़का मान के डेरोठी में बैठे है सही 12 बजे तहान दाई बाबा आगे बाबा आगे, मैं कह रहे हूं ना फिर हमला समझ नहीं आत हो का हो गए, मोल ये बता बाबा मन के झर रही कौवा चार ठना है, ऐसने झन हो जाए हमर बहनी मन तीजा पूरा कुपास रथे, माटी के नदिया बैलम बढ़िया गुलाल लगाते, अगरबत्ती घुमा के चीला खवाते कौन ला माटी के नदिया बैला, बहनी सहीज के बैला बगल में सूखा कोटना कर बोंबी आते, ओ डहना जरे नहीं जाते, ऐसने भरझन हो जाए, गंगा बदली जमुना बदली मुहाना जरूर बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले जमाना जरूर बदलेगा।